मेंटल हेल्थ ठीक करना है तो डिसिप्लिन लाना होगा, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बैठ के जैसे बीमारी होती है, फीवर होता है, दवाई खा ली, गोली खा ली और ठीक हो जाएगा, ऐसे मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है। मेंटल हेल्थ को मेहनत चाहिए होता है, इसी के लिए मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। जो होता है ना कि लोग मोटापा आ रहा है, डायबिटीज आ रही है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लोग गोली ढूंढ रहे हैं, पर गोली इज नॉट द आंसर, गोली सोल्यूशन नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, पर लाइफस्टाइल चेंज करना मुश्किल है, इसी के लिए लोग गोली वगैरह के पीछे जा रहे हैं, या लोग इतने मोटे हो रहे हैं, लोग मेंटल हेल्थ में लोगों को इश्यूज हो रहा है। एफर्ट होगा, एफर्ट मारना पड़ेगा। आई नो लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है, बाकी सारी चीज़ें भी है, एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है, दिल्ली का पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है, पर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना होगा, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको सही करो, इससे फायदा होगा, साथ में थेरेपी, मेडिसिन, वो भी जरूरी है, बट आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना भी जरूरी है। बिना लाइफस्टाइल चेंज किए नहीं होंगी चीजें, तो आपको थोड़ा अपने हाथ पे लाना होगा, अपना जो लाइफ है वो आपके अपने हाथ में लेनी होगी, आपको एफर्ट मारना होगा। बिना एफर्ट मारे सिर्फ डॉक्टर के पास चले गए, उससे कुछ नहीं होगा। आप फॉर एग्जांपल थेरेपी लेते हैं, थेरेपी में 24 घंटे में एक घंटा आप डॉक्टर के पास है, बाकी 23 घंटे तो आप अपने दिमाग में हो ना, तो आपको अपना दिमाग ठीक करना पड़ेगा यार। ऐसे आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाके कि मैं ये दवाई ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, दवाई लो, सपोर्ट करो। देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मुझे बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं और मैंने मैनेज किया है और लाइफ में बेटर भी किया है। इंजीनियरिंग करी, एक अच्छे MBA कॉलेज से MBA किया, राइट, अब मैं एक MNC में एक अच्छे हायर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग मैनेजर हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग में, मैंने लाइफ में अचीव किया है, इसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे अगर आपने चैनल से जुड़ा होगा तो आप जुड़े हुए होंगे, तो 2 साल से मैं काफ़ी सारी यही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना होगा, आपको डिसिप्लिन लाना होगा। मैंने कितने सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि आपको क्या लगता है कि आप OCD से क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मैं लेज़ी हूँ। तो लेज़ी क्यों, लेज़ी हो तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है और भागने जाना है, अलार्म बजा, तो ज़्यादातर लोग स्नूज करके वापस सो जाएंगे। क्यों स्नूज कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। आपके दिमाग में एक थॉट आएगा, अरे यार चलो भागते हैं, दूसरा थॉट आएगा, अरे यार सो जाते हैं। कौन सा थॉट तुम चूज करते हो वो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी, योर लाइफ इज योर चॉइस, नॉट जो थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स तो बहुत आएंगे, थॉट्स तो ये भी आएंगे कि मैं अंबानी बन गया, अंबानी बन जाऊंगा कल, बन गया क्या मैं अंबानी, इधर ही पड़ा हूं तुम्हारे सामने, तो ये सब थॉट्स वो नहीं है। तुम नेगेटिव थॉट्स को पकड़ते हो, उसको जीरे को तुम पूरा पहाड़ बना देते हो, वो सब मत बनाओ भाई, राई का पहाड़ या जीरे का पहाड़, पहाड़ तो पहाड़ है, पहाड़ क्यों बना रहे हो, वो राई और जीरे को इग्नोर करो, और जो असली है, जो हल्दी है, जो नमक है, जो ब्लैक पेपर है, जिससे तुम्हारी जिंदगी में स्वाद आएगा, उसको पकड़ो, उसको चूज करो, उन थॉट्स को चूज करो जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना रहा है, ना कि ये सब जो थॉट्स है जो तुम्हारी लाइफ को और प्रॉब्लम में ला रहे। पहले से ही तुम प्रॉब्लम में हो ना, बॉस परेशान कर रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्यों खुद के जो थॉट्स है जो नेगेटिव आ रहे हैं उसको इतना ध्यान दे रहे हो, उतना फोकस दे रहे हो, और उसकी वजह से लाइफ और खराब कर रहे हो। तो इन थॉट्स को ध्यान मत दो, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाओ, अच्छे डिसीजंस लो, अच्छे लाइफस्टाइल में जाओ, तभी तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइफ में कोई भी इश्यू हो, परेशानी हो, घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग, फाइट करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो पूरी दुनिया तुमको पीछे नीचे धकेलने में ही लगी हुई है, तो नीचे मत जाओ भाई, ऊपर उठो, ऊपर फाइट करो, तुम ही हो बस जो अपने आप को ऊपर ला सकते हो, और कोई नहीं ला सकता, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और आगे बढ़ो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जय हिंद, की फाइटिंग।